छोटा सा टुकड़ा है, खा के देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई बोलते हैं उसको, चखते हैं। मस्त। आवाज कितना अच्छा निकल रहा है। मस्त मस्त, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं खा के। हाँ, इसके बाद सबसे रिव्यू भी लेना है कैसा बना है। अजवाइन का फ्लेवर कितना मस्त आ रहा है ना। राजस्थानी जलेबी, राजस्थान से ले गया है। हाँ, इसलिए बोलता है जलेबी खाना का जो कॉम्बिनेशन है ना, एक नंबर कॉम्बिनेशन था। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पूर्णिया के ब्लॉगर। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मयूरी बनाने वाली है फाफड़ा। फाफड़ा जो जेठालाल का फेवरेट डिश है, अक्सर वो तारक मेहता उल्टा चश्मा में अक्सर दिखाता है ये सीन कि जेठा भाई को मतलब खाखड़ा और जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। जलेबी तो नहीं बना पाएंगे हम लोग क्योंकि उसको बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस है और उसके बाद उसके लिए मतलब टाइम भी लग जाएगा काफ़ी। तो जलेबी हम सब मार्केट से ख़रीद के लेके आएंगे। हम मैं जाऊंगा मार्केट, मार्केट से जलेबी खरीद के लाऊंगा, फिर फाफड़ा घर में बनेगा, मयूरी बनाएगी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में आप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज फाफड़ा बना रही है मयूरी और पूरा रेसिपी आप सबसे भी शेयर करेगी और बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए दिखाते हैं फाफड़ा बनाती है कैसे और फिर खा के भी बताएंगे कैसा लगता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में आप लोग। तो गाइस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और अभी मयूरी आ चुकी है यहाँ पे और अपना वो सारा सामान लाई हुई है, मतलब क्या क्या उसमें लगने वाला है और पूरा रेसिपी आपको बताएंगे, आप सबसे शेयर करेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाफड़ा, फाफड़ा ही बोलता है ना, खाफड़ा, फाफड़ा, खाफड़ा ने फाफड़ा। अच्छा छोड़ जोड़ है, खाने से मतलब है अपने को, जो जेठा भाई का फेवरेट है। और इसका फाफड़ा बनेगा तो हम जाएंगे मार्केट जलेबी लाने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। चलो हेलो गाइस, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फाफड़ा, खाफड़ा जो भी बोलो आप, ये एक गुजराती डिश है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो एक होता है मीठा बनता है और एक होता है जो नमकीन बनता है, तो ये चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या ली हूँ इसमें, जो भी डलता है सारे इंग्रेडिएंट्स मैं दिखाती हूँ। इसमें अजवाइन डलते हैं तो ढेर सारा अजवाइन, क्योंकि जितना अजवाइन आप डालोगे उतना ही टेस्टी बनेगा। स्वाद अनुसार नमक मैं डालूंगी, उसमें थोड़ा हल्दी भी जाता है क्योंकि उसका कलर थोड़ा येलो टाइप होता है इसीलिए। और मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मिर्ची पाउडर लिया है, जिसको हल्का तीखा पसंद हो उसमें हल्का ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है, जो खाने वाला सोडा होता है वो बेकिंग पाउडर एक्चुअली, वो देने से वो और क्रिस्पी बनेगा। और साथ ही है बेसन जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा तेल जिससे मतलब मयान दिया जाता है ताकि वो क्रिस्पी बने, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। और हल्का सा पानी लगेगा जिससे मैं उसको हल्का मतलब पूरी जितना टाइट मतलब सना जाता है उससे थोड़ा सा लूज़ होगा और रोटी जैसा नरम नहीं होगा, उतना हमको गूंदना है। तो और बेसन हाथ में चिपकते हैं तो इसीलिए मैं बनाने के बाद थोड़ा सा ऑयल देकर उसको सेट करूँगी ताकि वो चिपके नहीं हाथ में और अच्छे से बन जाए।
गाइस यहाँ तक का काम हो चुका है सफलतापूर्वक। मतलब इनको क्या क्या था, बेसन बेसन को गूंदना था, जो गूंदना बोलता है ना, हाँ, तो उनको मिलाना था। मतलब क्या क्या दी थी, अजवाइन दी थी, बेकिंग पाउडर दी थी और नमक स्वाद अनुसार, और सब चीज़ इधर का काम प्रोसेस हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब बचा है उनको तलना, और मतलब जो आगे का प्रोसेस बचा है आप वीडियो में देखिए हमारे साथ, और फिर देखते हैं कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं फाफड़ा, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है। मैं तेल चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और ये एक्चुअली बनता है रिफाइंड में, पर किशू को रिफाइंड बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब तबीयत खराब हो जाता है, वो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो फालतू में बीमार पड़ के तो कोई फायदा है नहीं। कुछ दिन में पहले मैं फ्रेंच फ्राई बनाई थी उसके लिए, उसमें रिफाइंड ऑयल में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, हम बहुत डर गए थे। तो इसलिए आज मैं डिसाइड की हूँ कि सरसों के तेल में ही बनेगा, ताकि कोई भी बीमार ना पड़े, तो इसीलिए सरसों तेल में बना रही हूँ। वो भी अच्छा ही होता है, और ये शायद किसी के गाँव से आता है तेल, प्योर है एकदम, तो इसीलिए हम लोग सरसों तेल पे बना रहे हैं। तो तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैंने जो इसको बना के रखा था, अभी इसमें पूरा ऑयल है, ये हाथ में नहीं चिपक रहा है, तो अभी मैं इसको अच्छे से थोड़ा ये करके फिर उसको बनाऊंगी और इसमें फ्राई करूंगी। मुझे इधर से बनाते जाना है, इधर फ्राई करते जाना है, तो मैंने ये स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसी में बनाऊंगी ताकि ये अच्छे से बन पाए। मुझे छोटे छोटे ऐसे पेड़े बनाने हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे। पहले मैं इतने से बना लेती हूँ, इन सब को साइड पे करके रखती हूँ। हल्का सा इस टाइप का कर लेना है, फिर यहाँ पे रखना है इस टाइप से, मुझे घर ही उतारने पड़ेंगे। वो वैसे रख के इसको पहले प्रेस करना है, उसके बाद ऐसे करके प्रेस करना है, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने फाइनली बनाया है, इतना सुंदर नहीं है देखने में, चलो डालो। पर अच्छा है। अब इसको मैं तेल में डालूंगी, कम आंच पे, हाँ, लो टू मीडियम, क्योंकि इसको लाल नहीं करना है, बस ये इसको फ्राई करना है क्रिस्पी करके। गाइस लगभग बन चुका है फाफड़ा, तो अभी हम मैं जा रहा हूँ मार्केट जलेबी लाने के लिए, क्योंकि फाफड़ा और जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। वो नमकीन है, ये मीठा है, तो अभी जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं कैसा बनाई है फाफड़ा। लगभग बन चुका था और बन रहा है अभी, और तब तक मार्केट से आ जाते हैं, मार्केट से आने के बाद लगभग पूरा बन जाएगा, तो बने।
से आ चुका हूँ जलेबी 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 ला चुका हूँ, और ये भी बना रही है फाफड़ा। दिखाता हूँ मैं आपको, सारा बना चुकी है ये। और यहाँ पे तो कैसा लग रहा है, तुम बोलो। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, अब खा के बताएंगे तो ना। और ये कितना क्रिस्पी बना है आवाज से पता चलता है। और एक मैं तोड़ के इन लोगों को भी दिखा देती हूँ। मत तोड़ देखो ना, टीवी का वीडियो देखिए कुछ ज्यादा ना सा चल गया वीडियो। देखो नहीं, सबको दिखाना चाहिए ना कितना क्रिस्पी बना है। जल्दी कर दीजिए झट्टे से, वो खा लेना हमको। ये छोटा सा टुकड़ा है, खा के देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई बोलते हैं उसको, चखते हैं। आवाज कितना अच्छा निकल रहा है। मस्त मस्त, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा। आप सभी ट्राई कीजिए, यकीनन बहुत अच्छा लगेगा खाना। बहुत क्या, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, सुपर से भी ऊपर है। देखिए कितना मेहनत करती है बेचारी। तो गाइस अब है टेस्ट, हम तो ऐसे चेक कर दिए थे, खा के देख लिए थे, बहुत टेस्टी था। अब तुम देख लो। अजवाइन का फ्लेवर कितना मस्त आ रहा है ना। राजस्थानी जितना भी राजस्थान से ले गया है। इसलिए बोलता है जलेबी खाना का जो कॉम्बिनेशन है ना, एक नंबर कॉम्बिनेशन था। जलेबी खा खाकड़ा खाओ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मुंह में पानी आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोल रहे हम खाएंगे, बहुत अच्छा लगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप तो भी ट्राई कर सकते हैं, ये सच में बहुत टेस्टी बना बहुत है टेस्टी। बहुत अच्छा बना है, जेठा का फेवरेट है। नहीं एक्चुअली जो भी गुजराती होते हैं उनका ये फेवरेट होता है, खाखड़ा, फाफड़ा, थेपला, ढोकला, ये सारा चीज़। और मुझे ढोकला बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मुझे एक्चुअली हर एक किस्म का खाना ही बहुत पसंद है। चलो बाद में बात करना, पहले खा लो, खा लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।